Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about the services provided by the operating system. So here we go to start our topic. As we all know that operating system provides an environment for the execution of programs. Operating system आपको एक ऐसा environment provide करता है कि हम वहाँ पर program का execution कर सकें और we can also say that it also acts as a resource manager. So it provides certain services to programs and to the user of those programs, right? So services kya hai? Unko hum discuss karenge yahan par. The specific services provided, of course, differ from one operating system to another. Alag-alag operating system, alag-alag aapko services provide karte hain, but we can identify common classes, right? These services are provided for the convenience of the programmer to make the program or task easier. राइट सो प्रोग्रामर की कन्वीनियंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं सो अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं बट हम यहाँ पर कुछ कॉमन क्लास की बात कर रहे हैं कॉमन सर्विसेज की बात कर रहे हैं कॉमन सर्विसेज ऐसी जो ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं राइट सो वन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर सो एज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डायग्राम जैसे कि आपको सर्विसेज क्लियर होंगी राइट सो वी कैन सी हियर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहली सर्विस है दैट इज यूजर इंटरफेस राइट यूजर इंटरफेस क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह वर्क करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर तो यूजर के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है राइट सो यूजर इंटरफेस आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है कमांड लाइन इंटरफेस बैच इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज GUI राइट सो यूजर इंटरफेस को अगर हम डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ यूजर इंटरफेस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं दीज इंटरफेस कैन टेक सेवरल फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं वन इज कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है इट विच यूजेस टेक्स्ट कमांड्स एंड अ मेथड फॉर एंटरिंग देम राइट जो कमांड लाइन इंटरफेस में आप क्या करते हो कुछ कमांड्स के थ्रू आप अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराते हो सिस्टम से राइट सो कमांड लाइन इंटरफेस CLI से डिनोट करते हैं इसको ये क्या करता है कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट कमांड्स का यूज करता है एंड अ मेथड फॉर एंटरिंग देम से अ प्रोग्राम टू अलाउ एंटरिंग एंड एडिटिंग ऑफ कमांड्स राइट तो यहाँ पर कुछ कमांड्स के थ्रू आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हो कमांड्स के थ्रू आप अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराते हो राइट अनदर वन इज बैच इंटरफेस अनदर वन यूजर इंटरफेस इज बैच इंटरफेस इन विच कमांड एंड डायरेक्टिव्स टू कंट्रोल दीज कमांड्स आर एंटर्ड इनटू फाइल्स एंड दोज फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड राइट यहाँ पर क्या होता है बैच इंटरफेस में आपकी जो कमांड्स हैं वो फाइल्स पर लिख दी जाती हैं एंड देन वो फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं But most common is graphical user interface that is mostly used by almost all operating systems. So graphical user interface is more convenient than any other than command line interface or batch interface. So graphical user interface is used. In this interface, we use a pointing device, right? जैसे कि हम कहते हैं कि keyboard के through यहाँ पर आप अपनी डायरेक्ट करते हो कीबोर्ड के थ्रू आप अपनी कमांड्स एंटर करते हो राइट सो हियर द इंटरफेस इज अ विंडो सिस्टम विद अ पॉइंटिंग डिवाइस टू डायरेक्ट आईओ इनपुट आउटपुट को हम किससे डायरेक्ट करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू चूज फ्रॉम मेन्यू एंड मेक सिलेक्शंस एंड अ कीबोर्ड टू एंटर टेक्स्ट राइट सो बेसिकली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ यूजर इंटरफेस फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस में आप टेक्स्ट कमांड्स का यूज करते हैं फॉर executing any instructions batch interface mein aap jitni bhi instructions hai ya commands hai aap files mein dete hain and those files are executed and in graphical user interface we use a pointing device to direct the io and we make selections and keyboard to enter the text so this is the first service that is provided by the operating system that is user interface so if we move forward we will see that there are some more services like program execution io operation file system communication resource allocation accounting error detection protection and security these all services are provided by the operating system so now we will discuss all these in detail
सो सेकेंड सर्विस इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एज वी ऑल नो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें मेमोरी में स्टोर कराना होता है, राइट? हमें उस प्रोग्राम को मेमोरी में लेकर आना होता है. सो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लेकर आना, ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इन टू मेमोरी एंड टू रन दैट प्रोग्राम. The program must be able to end in execution either normally or abnormally, indicating errors. So program execution is another service that is provided by the operating system. The next service is IO operations, input output operations. Right? जो भी running program होता है, let's say अभी currently कोई program run कर रहा है, तो उसको किसी IO file या IO device की need हो सकती है. राइट? तो वो अगर किसी भी प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर आईओ डिवाइस या आईओ इनपुट आउटपुट फाइल की नीड है, तो उसे कौन प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मींस टू डू द इनपुट आउटपुट. राइट? सो अ रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर आईओ विच में इन्वॉल्व अ फाइल और एन आईओ डिवाइस. फॉर स्पेसिफिक डिवाइसेस स्पेशल फंक्शंस मे बी डिजायर्ड. राइट? फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शंस यूजर यूजली कांट कंट्रोल आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली. जो एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन के लिए यूजर हम यूजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मींस टू डू द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. राइट? सो फर्स्ट वन वाज यूजर इंटरफेस. फर्स्ट सर्विस वाज यूजर इंटरफेस. तीन तरह के यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड batch interface. Second service that we discussed is program execution and the third service is IO operation. Now the next service that operating system provides is file system manipulation. Bahut sare operating system kya karte hain? Provide a variety of file system. Many operating system provide a variety of file system, sometime to allow personal choices and sometime to provide specific features or performance characteristics. Right? Some program include permissions management to allow or deny access of files or directories based on file ownership. So file system manipulation jo service hai wo bhi kaun provide karta hai? Operating system. Ki kis file ko access de, kis user ko kis file ko access deni hai ya us file ko allow karna hai ya deny karna hai, ye sari services kaun provide karta hai? Operating system. And the next service that operating system provides is communication. There are many circumstances in which processor needs to exchange information with another process. Process kya karte hain? Information ko exchange karte hain from one process to another. To ye communication jo process ke beech mein hoti hai, right? Wo kiske through hoti hai? Mostly agar same system mein ho rahi hai to us operating system provide karega. Agar other system mein ho rahi hai, ek system se dusre system mein ho rahi hai, to computer network ke through ye communication provide karti hai, right? So अगर कम्युनिकेशन स्टूडेंट हमारी एक ही सिस्टम में हो रही है तो वो प्रोवाइड होती है वाया शेयर्ड मेमोरी के थ्रू. और अगर आपके एक प्रोसेस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन है, यानी कि एक सिस्टम का एक प्रोसेस है वो दूसरे सिस्टम के दूसरे किसी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, सो दैट इज डन बाय द मैसेज पासिंग. राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे प्रोसेस के बीच में for exchanging the information. So communication may be implemented via the shared memory or through the message passing. Shared memory kab use hoti hai? Jab ek hi system mein communication ho. And message passing mechanism use hoti hai when we transfer information from one system to another. And one more service that operating system provides is error detection. The operating system needs to be constantly aware of possible errors. Right? Errors को कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करना चाहिए. एरर्स में अगर इन द सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर, सीपीयू या मेमोरी में भी आपकी एरर हो सकती है, सच एज पावर फेलियर. राइट? आईओ डिवाइसेस में एरर हो सकती है, सच एज पैरिटी एरर, पैरिटी बिट की एरर हो सकती है. एंड यूजर प्रोग्राम में भी आपकी एरर हो सकती है, सच एज अरिथमेटिक ओवरफ्लो. राइट? और एन अटेम्प्ट टू एक्सेस एन इलीगल मेमोरी लोकेशन. So these type of error can take place in the system. So for each type of error, operating system should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. Right? This is the responsibility of operating system to take the appropriate action for ensuring the correctness and efficiency of the computing. Besides this, some other services are provided by the operating system.
right? And these services are resource allocation. रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है स्टूडेंट, जब कभी भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं राइट, मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही है सेम टाइम पर, तो उन्हें अलग अलग रिसोर्सेज की नीड हो सकती है राइट. जैसे कि रिसोर्सेज, लेट्स से एक एक जॉब आई, उसको आपका प्रिंटर चाहिए, दूसरी जॉब को स्कैनर चाहिए, तीसरी जॉब को कुछ और अदर डिवाइसेस और रिसोर्स चाहिए, तो वो रिसोर्स एलोकेशन का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेसेस को या जॉब्स को रिसोर्स एलोकेट करना और डी एलोकेट करना. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं. नेक्स्ट, अदर सर्विसेज अकाउंटिंग. इफ यू वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर यूज हाउ मच एंड वट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, दिस रिकॉर्ड कीपिंग मे बी यूज फॉर अकाउंटिंग राइट. कि किस किस यूजर ने कितना स्पेस और कितने रिसोर्सेज लिए हुए हैं, सो ये अकाउंटिंग भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम राइट. एंड द लास्ट सर्विस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. सो प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट ऑल सिस्टम ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स इज कंट्रोल्ड, जितनी भी एक्सेस है सिस्टम रिसोर्सेज की वो कंट्रोल्ड वे में है राइट. सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम is secures the system from the internal or outside attacks right. So outsiders से system को secure करना क्या कहलाता है? security. So protection and security भी अलग services है operating system की. So resource allocation, accounting and protection and security, these are some other kind of services that operating system provides. Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.